गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। कल हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था, अब उसकी रिफाइनिंग कैसे करते हैं, क्योंकि जो पेट्रोलियम मिलता है, जैसे सी के अंदर हमने पढ़ा था कि सी के अंदर पेट्रोलियम मिलता है, तो वो एक कर्ड फॉर्म में ऑयली डार्क लिक्विड होता है जिसमें अनप्लीजेंट स्मेल आती है, ये हमने पढ़ा था। तो इसके लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, क्योंकि अकेला एक पेट्रोलियम ही नहीं पाया जाता, उसके साथ और भी सब्सटेंस मिले हुए मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये ऑयली लिक्विड फॉर्म में मैंने बताया कि एक अनप्लीजेंट ऑडर का मीन्स कोई कंपाउंड मिलता है। अब इसमें सिर्फ एक पेट्रोलियम ही नहीं है, और भी काफ़ी कंपोनेंट हैं, ठीक है। उनसे हमें अलग करना है, इनको सेपरेट करना है, क्योंकि हमें पेट्रोलियम अलग चाहिए, तो उसको हम सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, जैसे एक इस तरह से कॉलम से लगे होते हैं, जैसे एक इस तरह का होता है, ठीक है, फ्रैक्शनल कॉलम जिसको बोलते हैं। और ये मेथड उनके लिए यूज किया जाता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो, जिनका बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस हो। अब जैसे मान लो इसमें हमने कोई वो है जो ये ऑयली लिक्विड डाल दिया, ठीक है, इसको हम हीट करेंगे, हीट करेंगे तो क्या देखेंगे कि मीन्स अलग अलग जैसे कॉलम बन जाएंगे, इस तरह से अलग अलग इस तरह से कॉलम बन जाएंगे, जैसे एक जगह पेट्रोल हो जाएगा, एक जगह लुब्रिकेंट ऑयल, एक जगह डीजल, इस तरह से, क्योंकि जो जो कंपोनेंट होंगे उनके अलग अलग लेयर बन जाएंगे और उनको हम सेपरेट कर लेंगे। तो देखो, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, किससे करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। कैसे, इट इज ए सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इंटू डिफरेंट कंपोनेंट, मीन्स पेट्रोलियम को उससे डिफरेंट कंपोनेंट से सेपरेट करते हैं, बेस्ड ऑन फैक्ट दैट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कर्ड ऑयल हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, उनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट, ये सबसे मेन बात है कि बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। क्या करते हैं, उसको हम जो कर्ड ऑयल लिया उसको हीट करते हैं, ठीक है। तो द कर्ड ऑयल इज हीटेड इनटू अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री तक, लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक इसको हम हीट करते हैं। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज कलेक्टेड एट लोअर मोस्ट पार्ट, मींस जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा वो नीचे वाली लेयर के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, और जिसका सबसे कम होगा वो बिल्कुल ऊपर ही ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज कलेक्टेड एट लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ कॉलम एंड विद द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज कलेक्टेड एट टॉप ऑफ द फ्रैक्शनल कॉलम। जैसे जितने कंपोनेंट होंगे, जैसे मान लो दो है, तीन है, चार है, तो उनके अलग अलग इस तरह से कॉलम बन जाएंगे और उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। अब कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, अभी इनको सेपरेट करते हैं, तो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट ऑफ ऑक्टेनार, मीन्स कौन कौन से कंपोनेंट मिलते हैं। सबसे पहले देखो पेट्रोलियम गैस, एक तो हमें क्या मिलती है, पेट्रोलियम गैस, इसका यूज फ्यूल में किया जाता है, ठीक है, यूज्ड एज फ्यूल इन इंडस्ट्रीज एंड होम, ठीक है, घरों के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर इसका यूज किया जाता है। दूसरा क्या मिलता है, पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल आप सभी जानते हैं। दूसरा कंपोनेंट क्या सेपरेट होकर निकलता है, पेट्रोल, और इसका मोटर व्हीकल्स में यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड एज मोटर फ्यूल, मींस व्हीकल्स के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा कंपोनेंट क्या निकल के आता है, किरोसिन ऑयल, किरोसिन ऑयल जो आप मिट्टी का तेल आप सब जानते हैं, तो इसमें स्टोव में, लैंप में, इनमें यूज किया जाता है, फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैंप एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद में है लुब्रिकेंट ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल क्या होता है, जो फ्रिक्शन होती है उसको कम करने के लिए, ठीक है, जैसे मान लो अपने पंखे वगैरह होते हैं तो वो चलते हैं तो धीरे धीरे, मीन्स उनमें हम ग्रीस डालते हैं वो खराब ना हो जाए, ऐसे ही मोटर होती हैं उनके अंदर हम ग्रीस डालते हैं, तो एक प्रकार से लुब्रिकेंट है, ठीक है, मीन्स उसके फ्रिक्शन को कम करते हैं, तो लुब्रिकेंट ऑयल मिलता है, यूज फॉर लुब्रिकेशन, ठीक है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा उस फिफ्थ क्या है, पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स ये किस में यूज किया जाता है, कैंडल्स बनाने में, वैसलीन बनाने में यूज किया जाता है। तो ये कंपोनेंट सारे पेट्रोलियम की जब हम रिफाइनिंग करते हैं ना तब मिलते हैं, हमने ऊपर पढ़ा ना पेट्रोलियम की रिफाइनिंग, तो पेट्रोलियम की, क्योंकि अकेला पेट्रोल मीन्स अकेला पेट्रोलियम जो ऑयली लिक्विड है उसमें अलग अलग कंपोनेंट निकल के आते हैं, और कौन कौन से, पेट्रोल गैस, ठीक है, पेट्रोल, किरोसिन ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स, ठीक है। देखो पैराफिन वैक्स यूज ऑन्टिमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन, ठीक है, इनमें यूज किया जाता है। विटमिन्स, ठीक है, सिक्स्थ क्या है, विटमिन्स, ये पेंट करने में और रोड क्यों सरफेस में, मीन्स रोड सरफेसिंग में, इट इज यूज फॉर पेंट्स एंड रोड सरफेसिंग। उसके बाद में डीजल, ये आप सभी को पता है किसमें, यूज एज ए फ्यूल इन व्हीकल्स, ठीक है, व्हीकल्स में यूज किया जाता है।